जय हिंद दोस्तों, चलते चलते में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर रोड पे। कल जो है MBMC मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो है रिक्शे वालों के लिए एक वैक्सीनेशन ड्राइव रख रही है। जो रिक्शे वाले की जो एज होनी चाहिए वो 18 से 30 साल के बीच के रिक्शे वाले को कल वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और मीरा भाईंदर में ऐसे करीब 6 सेंटर पे वैक्सीनेशन दिया जाएगा। इस 6 सेंटर में करीबन 2 से 2500 रिक्शा वाले को वैक्सीन दिया जाएगा। ये एक जो है बेहतरीन कदम बता सकते हैं कि उन्होंने खास करके जो है रिक्शे वाले के लिए एक ही दिन ड्राइव रखा है, जिससे रिक्शे वाले जो है जा करके अपना अपना वैक्सीन करा सकेंगे। लेकिन एज की क्राइटेरिया रखी गई है 18 साल से लेकर के 30 साल तक के उम्र के रिक्शे वाले जो है जा करके वैक्सीन इन 6 सेंटर में करा सकते हैं। भी रिक्शे एक्स्ट्रा ड्राइवर हैं, जो भी रिक्शे वाले हैं वो इन सेंटर पे जा करके वैक्सीन ज़रूर लगाएं। और ये खास जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से रखा गया है, यानी ये पूरा जो वैक्सीनेशन है वो फ्री होगा। और दोस्तों एक आपको जानकारी दे दूं कि हर रोज़ जो है MBMC की तरफ से जो है लिस्ट निकाला जाता है कि किस एज के लोगों को कब फर्स्ट डोज दिया जाएगा, कब सेकेंड डोज दिया जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए, अपडेट चाहिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक हमने इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस पर जा कर के वैक्सीनेशन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप हम इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस पर हर रोज़ जो है हम वैक्सीनेशन से रिलेटेड न्यूज और जो डिटेल्स होते हैं वो हम डालते हैं, तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। इससे पहले भी मीरा भाईंदर ने रिक्शा वालों के लिए एक ड्राइव रखा था, वैक्सीनेशन ड्राइव रखा था, उसमें भी काफ़ी रिक्शा वालों ने जो है वैक्सीन किया। और इस बार कल वापस रखा जा रहा है, तो MBMC कहीं ना कहीं हर तबके के लोगों के बारे में सोच रही है। कल जो दिया जाएगा रिक्शे वालों को वो फर्स्ट डोज दिया जाएगा। 18 से 30 साल के उम्र के रिक्शे वाले ही जाएं, उससे ज़्यादा उम्र के लोग ना जाएं, नहीं तो आपको वो वैक्सीन नहीं मिलेगा और आपको परेशान होना पड़ेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें और कल वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। सारे रिक्शे वाले को से अपील है कि आप जो है ज़रूर कल वैक्सीन लगाने के लिए जाएं। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।